ये आप क्या बना रहे हैं? निमोना बना रहे हैं। निमोना क्या चीज होती है? निमोना मटर का होता है, मतलब पीसी मटर। ये तो ग्रीन ग्रीन क्यों है? मतलब मटर हरी होती है ना। नहीं, कई लोग मटर को छोले की तरह बनाते हैं, वो भी यही मटर होती है? नहीं, वो इसकी सूखी मटर होती है, जो छोले की तरह सूखी होती है। अच्छा, यही मटर जब सूख जाती है हाँ, तो सफेद होती जाती है, पीली हो जाती है, मतलब उसका छिलका सफेद होता है, वैसे पीली हो जाती है, वैसे भी हरा हरा है। हमको तो लगता है मटर ऐसा अगर छील के रख दो तो ये वैसी नहीं, एक ग्रीन मटर आती है, एक ग्रीन मटर आती है जो होने के बाद भी वो हरी ही होती है। एक ग्रीन मटर आती है और एक आती है कि यही मटर सफेद हो जाएगी, जो छोले के सब्स्टिट्यूट के तौर पे लोग खाते हैं ठेले पे। नहीं तो मेरे ख्याल से उसका छिलका छीला नहीं जाता होगा, ऐसे पड़े पड़े सूख जाती होगी। भैया वो पड़े पड़े सूख जाती है लेकिन फिर भी वो सफेद हो जाती है। अगर छील के ऐसे ही छोड़ दे तो वो तो सड़ जाएगी? वो सड़ जाएगी क्योंकि अगर पूरा, अगर कोई भी बीज पूरा पका नहीं है, जैसे आलू है तुम कच्चा खोद रहे हो तुरंत खा जाओ, लेकिन आलू को ऐसे तुम रख दोगे तो वो तुरंत 4 दिन में सड़ जाएगा। ऐसा आलू जो पक्का होता है वो उसका छिलका मजबूत हो जाता है, तो वही कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। अच्छा, यानी वो मटर पहले ही नहीं छिली जाती, अलग कर दी जाती है कि उसका छोला जैसा बनाए? उसको थोड़ा और एक आध महीना खेत में ही छोड़ दिया जाता है। इस बारे में हम लोग खेतिहर नहीं है तो जानकारी नहीं। हाँ, चलो दिखा देंगे, इसी समय तो हो रहा खेतों में। चलो उधर चंद्रिका जी, चलो वही दिखा देंगे मटर का खेत। चंद्रिका देवी जी हाँ, बहुत अच्छा इलाका, बहुत अच्छा, शायद तेरा भी वहीं होगा। चलो भगवान ने उसको अपना जहाँ रखने का उसका है विधान है, और किसी को मुक्त करा देना ही बहुत बड़ी बात है। किसी को कोई जरूरी नहीं है। हाँ, पिंजरे में था, अब वो चारों तरफ घूमेगा, अब जो उसके भाग्य में होगा होगा भाई। अब ऐसा भी नहीं है कि छोटा बच्चा पिल्ला है, बड़ा है और जानते हो दोस्ती करना जानता है। अच्छा, ये तो ये आपने ऐसा कैसे बनाया? इसको पीस, पहले आलू पचफोरन का तड़का दिया, आलू फ्राई किए, फिर इसमें मटर डाले हैं, मसाला डाले हैं, हल्दी डाले हैं, सब डाल के थोड़ा भून के फिर पानी डाल देंगे, फिर लहसुन मिर्च से तड़का देंगे। ये पचफोरन क्या होता है? पचफोरन 5 चीज मिला रहता है, मेथी, और मेथी होती है पचफोरन, मेथी होती है, मंगरेल होती है, अजवाइन होती है, सौफ होती है और राई होती है। अच्छा, कहीं कहीं लंबा लाल मिर्च भी सूखा हुआ? हाँ, तो लाल मिर्च पचफोरन में नहीं आता है, लाल मिर्च आप डाल दीजिए तो लाल मिर्च का एक अलग अपना एक होता है। और ये छड़ीला वड़ीला क्या होता है? छड़ीला वड़ीला मसाले होते हैं, सौफ और अजवाइन जो मसाले में नहीं डाली जाती है, पचफोरन में डाली जाती है, तड़के में डाली जाती है। अच्छा महक रहा है। आपने जो कल खड़े मसाले की सब्जी बनाई थी, क्या टेस्टी थी! हाँ, क्या तो मसाला ऐसे, वैसे ही बनाएंगे। उसमें काली मिर्च उर्च भी एकदम मुंह में कहीं कट कट नहीं कर रही। और हमको तो लग रहा था कि वो जो दालचीनी वगैरह मुंह में घुल जा रही, मतलब मीठी लग रही थी, मन कर रहा था आए तो दांत से चबाए तो अच्छा लगे। एकदम बना दे रहे, तुम्हारा निमोना बना दे रहे, चावल बना दे रहे, खा लो। इसको अभी पानी डाल के डाइल्यूट कर देंगे या फिर लहसुन और मिर्च चढ़ते। अच्छा, इसमें प्याज अक्सर नहीं डालते? नहीं, प्याज नहीं डालते हैं इसमें, प्याज नहीं डालते हैं इसमें। क्या कहा, जैसे वो है साग वाली दाल है, साग पहिता जिसको बोलते हैं, निमोना है, इसमें लहसुन पड़ता है, प्याज नहीं पड़ती। अच्छा, अब वो वैसी प्लेन दाल है जो कि चाहे मूंग की है, छिलके वाली मूंग की है, चाहे छिलके सहित वाली मूंग की है, तो इन सबों में आप प्याज और लहसुन मिर्चा सब तड़का दे सकते हैं, लेकिन इन सबों में अच्छा नहीं लगता है। इन सबों में मटर का स्वाद आना चाहिए, प्याज हो सकता है कभी किसी ने ट्राई करके देखा। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं पड़ता है। प्लेन दाल में भरो तुम प्याज डाल दो, लेकिन साग वाली दाल में लहसुन ही पड़ता है। एक ही दोस्तों में आपको दिखाना चाहते हैं, इनके खड़े मसालों का डब्बा है, इसी से इन्होंने कल सब्जी बनाई थी बिना ग्राइंड किए, बहुत टेस्टी सब्जी थी, उसका फ्लेवर पूरा, सब मसालों का एसेंशियल ऑयल्स उसमें, बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे थे। हल्दी, मिर्चा और जरा सा पीसी धनिया खाली डाल दिए थे, ऐसा पीसा हुआ, और जीरा, काली मिर्च, और वो क्या कहा जा, तेज पत्ता हो, चाहे वो हो, क्या कहा जाता है, दालचीनी हो, जावित्री हो, सब ऐसे ही खड़े डाल दिए थे, खाली हल्दी और पीसा मिर्चा और पीसा धनिया खाली डाले थे पाउडर। अच्छा, और पानी इसमें पड़ता है? और नमक सबसे लास्ट में डालते हैं? नमक डालती। थैंक यू हमारे फ्रेंड्स को बताने के लिए, थैंक यू मैम।